देखना बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में कर रहे थे एकोमोडेशन ऑफ बिल, है ना। एकोमोडेशन ऑफ बिल के अंदर ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है और हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है। आप लोगों की सारी स्क्रीन के ऊपर ये विजिबल है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। आपके मॉड्यूल्स आपके सामने हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसमें? ऑन 1 जुलाई 2019 जॉर्ज ड्रू ए बिल फॉर रुपीज 1,80,000, 1,80,000 रुपए के लिए 3 महीने के लिए, ठीक है जी। तो फॉर 1,80,000 फॉर 3 मंथ ऑन हैरी फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन, हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज, यानी कि 1,80,000 रुपए के लिए मिस्टर जी ने मिस्टर एच के ऊपर एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा। जॉर्ज हैड परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1,81,000 फ्रॉम जैक, ठीक है जी, जैक से उन्होंने सेम डेट पे। अब ये किसके बीच में ट्रांजेक्शन हो रही है? ये ट्रांजेक्शन हो रही है सर जॉर्ज और जैक के बीच में, ठीक है जी, जॉर्ज और जैक के बीच में ऑन द सेम डेट। जॉर्ज एंडोस हैरी एक्सेप्टेंस टू जैक इन फुल सेटलमेंट। यानी कि हुआ क्या यहां पे, इन दो लाइनों में हमने क्या देखा कि हैरी ने पैसे पे करने थे जॉर्ज को, है ना, एच ने पैसे पे करने थे सर जी को, और जी ने पैसे पे करने थे किसको? सर जैक को, यानी कि जे को। तो जी ने क्या बोला, सर मेरे पास पैसे तो है नहीं, मेरे पास में हैरी का ये बिल है, ठीक है जी, कितने का? 1,80,000 का, और मैंने आपको 1,81,000 रुपीज देने हैं, तो क्या आप ये बिल एक्सेप्ट करेंगे? तो ऐसे में जैक ने इसको बोला कि हाँ सर मैं आपका ये बिल एक्सेप्ट कर लेता हूं इन फुल सेटलमेंट। अब यहां पे वर्ड लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट। इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या है कि यहां पे जी को यानी कि जॉर्ज को 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, किससे? जैक से, ठीक सर, ओके। ये हमने एंडोजमेंट के अंदर भी देखा हुआ था। नया क्या है सर, आइए पढ़ते हैं। ऑन 1 सितंबर 2019 जैक परचेजेस गुड्स वर्थ रुपीज, अब जैक के हाथ में था ना ये बीआर, जैक ने परचेज किया गुड्स वर्थ रुपीज 1,90,000 फ्रॉम हैरी, हैरी से। और उसके बाद में जैक ने बोला मेरे पास पैसे तो है नहीं, सिर्फ 9,000 रुपए हैं। देखो लिखा है ना, जैक एंडोज द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू हैरी। यानी कि 9,000 रुपए का ही कैश है, बाकी आप मेरे से 1,81,000 के लिए, 1,81,000 के लिए आप मुझसे ये 1,80,000 का बीआर दे दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जैक को भी डिस्काउंट रिसीव हो गया है, किससे? हैरी से। कितने का? 1,000 रुपए का, ठीक है जी। ऑन 1 अक्टूबर 2019 हैरी परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 2,00,000 फ्रॉम जॉर्ज, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हैरी एंड जॉर्ज, ठीक है सर, कर सकते हैं हम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लास्ट की जो एंट्री है उसके अंदर तो कैश में ही होना है, उसका बिल ऑफ एक्सचेंज से तो कोई लेना देना ही नहीं, ठीक है ना, उसका बिल ऑफ एक्सचेंज से कोई लेना देना ही नहीं। तो अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, ध्यान देना जरा। हम बनाएंगे बुक्स, तीनों की बना लेते हैं, हालांकि बोला तो हमें दो की हुई है, तीनों की बना लेते हैं। यहां हम लिख देते हैं सर पर्टिकुलर्स, ठीक है, बुक्स ऑफ जी, बुक्स ऑफ एच, और ये बुक्स ऑफ जे, यानी कि जे। एक बार पिक्चराइजेशन कर दूं आप लोगों के सामने कि हुआ क्या है, पिक्चर्स बनाइएगा आप, उससे थोड़ा इजी हो जाता है। हाँ जी बच्चों, ये सब हुआ था हमारी स्टोरी के अंदर। एक बार फिर पूरी स्टोरी को देख लो, मिस्टर जी ने मिस्टर एच को सामान बेचा, ठीक है, कितने का? 1,80,000 का। ये हमारी
फर्स्ट ट्रांजेक्शन, नंबर टू बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया 1,80,000 का, नंबर थ्री मिस्टर जी ने मिस्टर जे से गुड्स परचेज की 1,81,000 की, और नंबर फोर उन्होंने क्या किया बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया 1,80,000 का फुल सेटलमेंट में। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्काउंट उन्होंने रिसीव कर लिया मिस्टर जी ने 1,000 रुपए का, और मिस्टर जे ने डिस्काउंट अलाउ कर दिया कितने का 1,000 रुपए का। अच्छा जी, फिर कुछ समय बाद फिफ्थ पॉइंट, सर गुड्स परचेज की मिस्टर जे ने मिस्टर एच से 1,80,000 रुपए के लिए, और उन्होंने बोला सर मेरे पास तो सिर्फ कैश है 9,000 रुपए का कैश पे किया, 1,80,000 रुपए का बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रांसफर बीआर ट्रांसफर कर दिया, यानी कि उनको भी मिस्टर जे को मिस्टर एच से कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ 1,000 रुपए का डिस्काउंट रिसीव हुआ, और मिस्टर एच ने मिस्टर जे को डिस्काउंट दिया 1,000 रुपए का। ठीक है जी, अब इसके बाद जो बाकी बात लिखी हुई है कि मिस्टर एच ने मिस्टर जी से सामान परचेज किया और उसको कैश पे कर दिया, उसकी सिंपली हम जर्नल एंट्री कर देंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजेक्शंस के इवेंट तो यहीं तक बनते हैं। ठीक है जी, मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। जी जनाब बोलिए सर, फर्स्ट एंट्री कैसे हुई? फर्स्ट एंट्री कैसे हुई, यहाँ पे हमारे पास में लिखा हुआ था, हाँ जॉर्ज ने बिल दिया था। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, मैंने क्वेश्चन को पढ़ा तो था लेकिन गुड्स वाली बात नहीं देखी थी मैंने। ये सेल ऑफ गुड्स नहीं है सर, यहां से इसको हटा दीजिए, यहाँ पे ये डायरेक्टली एकमोडेशन की ही बात हुई है, सेल ऑफ गुड्स नहीं हुई थी इन दोनों के बीच में, एकमोडेशन दी गई थी, तो यहाँ पे हमारी एंट्रीज थोड़ी क्या नाम है ये, यहाँ पे जो नंबरिंग है इसकी ये चेंज हो जाएगी, तो सबको चेंज कर दीजिए नंबर्स को। ये हमारा नंबर टू बन गया नंबर वन, ठीक है जी, ये टू, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव। ठीक है सर, अब ठीक है, थैंक यू वेरी मच बताने के लिए। चलिए सर, अब इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में हमें जनरल एंट्री करनी है, तीनों की बुक्स ऑफ अकाउंट में, तो तीनों की बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में यहां पे इन्होंने बीआर रिसीव किया, बीआर अकाउंट डेबिट टू एच, और इन्होंने सर जी डेबिट टू बिल्स पेबल, ये एंट्री बना दी इन्होंने कितने के लिए 1,80,000 रुपीज के लिए। डन सर। इस टाइम पे जे भाई साहब पिक्चर में नहीं थे, नंबर वन। नंबर टू आगे क्या हुआ सर, आगे हमारे पास में कुछ गुड्स परचेज की गई मिस्टर जे से, जी ने परचेज की 1,81,000 की, तो इन्होंने एंट्री बनाई सर अपने पास में परचेज अकाउंट डेबिट टू जे कितने के लिए सर 1,81,000। और वहां पे मिस्टर जे ने इनके नाम से एंट्री बनाई क्या, जी डेबिट टू सेल्स 1,81,000। ठीक है जी, अच्छा अब सर तीसरा इवेंट हुआ हमारे पास, इन्होंने बिल ट्रांसफर कर दिया, बीआर ट्रांसफर कर दिया, इनके हाथ से बीआर निकल गया, तो क्या हो गया सर टू बीआर, ठीक है जी, और गया किसके पास में, गया किसके पास में सर जे के पास में,
अब सोच करके देखो, जे को इन्होंने कितने देने थे? सर जे को क्रेडिट किया हुआ था 1,81,000 ऊपर वाली एंट्री में, सेकंड एंट्री में। और बीआर कितने का दे रहे हैं ये भाई साहब? 1,80,000 का दे रहे हैं सिर्फ। इसका मतलब इनको कोई डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो डिस्काउंट रिसीव 1,000। अब यही एंट्री किसके बुक्स में? जे की बुक्स में। उनके पास बीआर आ रहा है, बीआर अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा गैप दे करके, टू किससे? सर जी से, टू जी। अब इसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में देखो, जी कितने से डेबिट था? सर 1,81,000 से। और इन भाई साहब ने जो बी आर रिसीव किया है मिस्टर जी से, वो कितने का किया है? सर वो सिर्फ 1,80,000 का है। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिस्काउंट भी अलाउ कर दिए हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000 रुपए। इस टाइम पे मिस्टर हैरी चुप थे, क्योंकि ट्रांजैक्शंस किसके बीच में चल रही थी? जे और जी के बीच में। चलो जी, अब जी का काम खत्म हो गया सर, जी का काम खत्म हो गया। जी ने अपना एक तरफ से पैसे लेने थे, बीआर लिया, बीआर लेकर के और आगे दे दिया, यानी कि एक्सेप्टेंस दी उसने। एकमोडेशन बिल की हम बात कर रहे थे, एक्सेप्टेंस एक की दूसरे को दे दी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हुआ हमारे पास में इवेंट? कि सर थोड़े दिनों बाद मिस्टर जैक जो थे, उन्होंने गुड्स परचेज कर ली एच से, तो इन्होंने क्या एंट्री बनाई? हैरी से परचेज अकाउंट डेबिट परचेजेस, ठीक है जी, टू एच। कितने से? सर 1,90,000 से, 1,90,000 रुपए से, ठीक है जी। और हैरी ने भी अपने पास में एंट्री बनाई होगी, क्या एंट्री बनाई होगी? सर उन्होंने कहा होगा कि मैंने जे को, तो जे डेबिट टू सेल्स 1,90,000 से। और इस टाइम पे जी भाई साहब चुप है। अब क्या कर रहे हैं? अब सर ये पेमेंट कर रहे हैं इनको, अब कैसे पेमेंट कर रहे हैं? एच डेबिट, ठीक है जी, एच को हमने डेबिट कर दिया कितने से? 1,90,000 से। कैश पे कर दिया टू कैश अकाउंट, कितने का? 9,000 रुपए का। बीआर दे दिया, जो बीआर था हमारे पास में वो चला गया, कितने का था वो? 1,80,000 का। अभी भी डिफरेंस कितने का है? 1,000 रुपए का। तो ये क्या सर? इनका डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का सर? 1,000 रुपए। 1,90,000 पूरा बन गया है, ठीक है जी। अब सेम एंट्री ये भाई साहब भी करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, वो क्या लिखेंगे? उन्होंने सेल्स को, उन्होंने जे को डेबिट कर रखा था, तो वो जे को क्या कर देंगे सर? क्रेडिट कर देंगे टू जे, कितने के लिए? सर 1,90,000 रुपीज के लिए। उनके पास कैश आ गया, तो क्या बोला उन्होंने? कैश अकाउंट डेबिट। एक बीआर भी आ गया, तो क्या बोला उन्होंने? बीआर अकाउंट डेबिट। लेकिन कैश आया 9,000 का, बीआर आया 1,80,000 रुपए का, तो उन्होंने डिस्काउंट अलाउ कर दी, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कितने का सर? 1,000 रुपए, ठीक है जी। हमारे पास में जो ये है, घूम फिर करके किसके पास में आ गया? घूम फिर के इन्हीं के पास में आ गया। एक बारी फिर से क्वेश्चन को देख लेते अच्छे से, ठीक है। अब 9,000 की फुल सेटलमेंट होगी। अब लिखा है 1 अक्टूबर 2019 को मिस्टर हैरी ने परचेज कर ली गुड्स वर्थ रुपीस 2,00,000 और पे कर दिए जॉर्ज को, ठीक है जी, गुड्स परचेज कर ली, तो इसकी एंट्री कर देंगे। और कैश की पेमेंट है ये हमारे पास में। तो अब आप एक बात बताओ, हैरी परचेजेस गुड्स वर्थ रुपीस 2,00,000 फ्रॉम जॉर्ज लिखा हुआ है, तो क्या जरूरत है हमारे को
क्या जरूरत है हमारे को पहले हम उसको अपना एंट्री नाम से लिखे। यहां पे तो लिखा हुआ है कि बैंक से चेक से पे कर दिया उन्होंने, तो सिंपल सी एंट्री है सर, सिंपल सी एंट्री है। क्या एंट्री होगी? हैरी की बुक्स, ये क्या नाम है, हैरी की बुक्स ऑफ अकाउंट में उसने परचेजेस किए हैं, है ना, सिंपल। और कौन सी परचेजेस किए हैं? कैश परचेजेस किए हैं। तो ये क्या एंट्री बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख रुपए। और यहां पे जॉर्ज ने सेल किया तो क्या एंट्री बन जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। मतलब जरूरत ही नहीं है हमारे को कोई भी ऐसी एंट्री करने की, क्योंकि साथ के साथ तो पेमेंट ही हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारे पास में जो है ये सारी की सारी जर्नल एंट्रीज हमारी पूरी होती है इस क्वेश्चन की। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, इन केस किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ भी सकता है। देखना बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, ये बड़ा मजेदार है, इसमें बड़ा मजा आने वाला है आपको। कैसे मजा आने वाला, देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है। फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल 2019 एक्स ड्रॉज ए 4 मंथ बिल ऑन वाई फॉर 4,000 रुपीज, 4,000 रुपए। वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑन सेम डे। एक्स ने डिस्काउंट करवा लिया इसको 6% पर एनम से एंड रेमिट 50% ऑफ द प्रोसीड्स टू मिस्टर वाई ऑन ड्यू डेट। यानी कि एकोमोडेशन ऑफ बिल का जो हमने देखा था लास्ट क्लास में, यहां पे क्या है, यहां पे एक्स और वाई ने आपस की भलाई के लिए उन्होंने क्या किया, एक बिल जो है एक्स ने वाई के ऊपर लिखा, वाई ने एक्सेप्ट किया और लिख करके एक्सेप्टेंस अपनी किसको दे दी, एक्स को दे दी। एक्स गया बैंक के अंदर, 6% पर एनम के हिसाब से उसने 4 महीने के लिए, 4 महीने ही था ना, 4 महीने के लिए, हाँ 4 मंथ्स लिखा हुआ, 4 महीने के लिए 6% पर एनम के हिसाब से बैंक में क्या दिया, क्या नाम है, डिस्काउंटिंग चार्जेस दिया और बिल लेकर के बाहर निकला, मतलब कैश लेकर के बाहर निकला। तो बाहर उसको कौन मिले? मिस्टर वाई मिले। मिस्टर वाई कहते हैं हाँ जी बताओ कैसा रहा? कहते हैं बहुत अच्छा, ये लो सर मैं आपके साथ में आधा कैश जो है ट्रांसफर कर लेता हूं। अब आधा कैश ही नहीं जाएगा, आधे डिस्काउंटिंग चार्जेस भी जाएंगे, ये बात मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है जी। तो आधे डिस्काउंटिंग चार्जेस और आधा कैश दे दिया उन्होंने, डन। ऑन ड्यू डेट मिस्टर एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू एंड देयरफॉर वाई ड्रॉज ए बिल ऑफ ₹7,000 विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय मिस्टर एक्स। वाई डिस्काउंट्स द बिल फॉर 6,600 एंड सेंड ₹1,300 टू एक्स, ठीक है जी। यानी कि यहां पे हुआ क्या, यहां पे ये हुआ कि मिस्टर वाई कहते हैं ड्यू डेट पे फोन मिलाया, मिस्टर वाई ने ड्यू डेट पे फोन मिलाया किसको, मिस्टर एक्स को, ड्यू डेट से पहले ही मिला दिया, हां जी सर ड्यू डेट आने वाली है क्या हालचाल है। एक्स कहते जी बढ़िया, कि सर आप पैसे देने वाले थे, जो रिमेनिंग हाफ अमाउंट मैंने आपको भेजा था वो आप मेरे को पे करने वाले थे, तो अब जल्दी से पेमेंट कर दो ताकि मैं आगे बिल्स पे कर सकूं। मिस्टर एक्स कहते हैं सर पैसे तो कोई नहीं है मेरे पास, पैसे तो है नहीं। मिस्टर वाई कहते हैं ये क्या बात हुई, इसका मतलब आप हैप्पी एंडिंग नहीं करवाना चाह रहे। मिस्टर एक्स कहते हैं नहीं ठहरो, एक काम करते हैं, जैसे मैंने आपको आपसे एक बिल ऑफ एक्सचेंज लिया था ऐसे ही आप भी मुझसे ले लो, उसको एनकैश करवा लो और एनकैश करवा करके इस बिल के पैसे पे कर दो। मिस्टर वाई सिर पकड़ के बैठे हुए, इसका मतलब कर्जा उतारने के लिए एक नया कर्जा, हाँ यही मतलब है इसका। लेकिन अब की बार लाइबिलिटी किसकी होगी, अब की बार लाइबिलिटी होगी मिस्टर एक्स की। यानी कि जो पहले बना हुआ था ड्रॉअर अब बन जाएगा ड्रॉई, ठीक है सर। आगे की कहानी सुनते हैं।
आगे उन्होंने जो बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था उसको लेकर के वो बैंक में गए। मिस्टर एक्स ने जो बिल ऑफ एक्सचेंज मिस्टर वाई को दिया उसको लेकर के, जिसकी की अमाउंट कितनी थी 7,000 रुपए, उसको लेकर के वो कहां गए, बैंक में गए, बैंक से इनकैश करवाया, कितने में, 6600 से। अब उस 6600 में से पहले तो पेमेंट की, उस 6600 में से पहले तो पेमेंट कर दी उन्होंने 4,000 रुपए की, और जो रिमेनिंग अमाउंट था उस अमाउंट में से 1,300 रुपए मिस्टर एक्स को वापस भेज दिए। अब क्या हुआ, अब यहां लिखा हुआ है बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। एक्स की नियत में शुरू से खोट था, तो एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट घोषित हो गया और सिर्फ 25 पैसे ही अपनी पूरी लाइबिलिटी में दे सका। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना, इस क्वेश्चन की हम बना लेते हैं एक डायग्राम ताकि हमारे को इजी हो जाए, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो इस केस के अंदर क्वेश्चन को हमने अच्छे से पढ़ा, इसकी हमने हेडिंग डाली है क्या, सेकेंड बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड बाय ड्रॉअर ऑफ फर्स्ट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड इंसॉल्वेंसी। यानी कि यहां पे हुआ क्या इस क्वेश्चन के अंदर कि मिस्टर एक्स के पास में जो ड्रॉअर ऑफ फर्स्ट बिल थे उनके पास में पैसा ना होने की वजह से ड्यू डेट पे मिस्टर वाई अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर पा रहे थे। तो मिस्टर एक्स ने क्या बोला, मिस्टर एक्स ने बोला कि सर आप मुझसे बिल ऑफ एक्सचेंज ले लीजिए, फॉर द टाइम बीइंग मेरे पास में कैश नहीं है, लेकिन मैं अपनी एक ऑब्लिगेशन अराइज कर देता हूं, जैसे आपने मुझे एक बिल ऑफ एक्सचेंज दिया था वैसे मैं आपको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे देता हूं, और आप उसे इन कैश करवा लीजिए बैंक से, और जो अभी की हमारी एट प्रेजेंट की लाइबिलिटी आपके सिर पे है उसे आप पे ऑफ कर दीजिए और फ्यूचर में मैं पे कर दूंगा। लेकिन फ्यूचर में भी मिस्टर एक्स इस केस के अंदर इंसॉल्वेंट घोषित होते हैं। यानी कि एक बहुत बढ़िया सा उम्दा सा क्वेश्चन है, और आप देखेंगे इसके जैसे ही दो क्वेश्चन आपके मॉड्यूल में और दिए हुए, ये तो है ही है, इसके बाद में बैक टू बैक इसी की तरीके से। अब आप क्या करेंगे, आप इसको सीखेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया गया। उसके लिए हमने क्या किया सर, हमने एक अपने पास में इस तरीके से एक चार्ट बना लिया, एक इमेजिनेशन कर ली। सबसे पहले क्या हुआ सर, इवेंट नंबर वन क्या हुआ सर, बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया मिस्टर वाई के द्वारा मिस्टर एक्स को, जिसे कि वो बैंक से एनकैश करवा लाए और डिस्काउंटिंग चार्जेस 80 रुपीज, जो हमारी परसेंटेज क्वेश्चन के अंदर दी हुई थी उससे, जो टाइम पीरियड था उससे और रेट से हमारे पास में 80 रुपीज के डिस्काउंटिंग चार्जेस आते हैं। तो एनकैशमेंट हुई 3920 की, डिस्काउंटिंग चार्जेस आए 80 रुपीज। अब मिस्टर एक्स ने अच्छे बच्चों की तरह मिस्टर वाई के साथ में इन पैसों को बांट लिया, नो बैड इंटेंशन, आधा कैश और आधे डिस्काउंटिंग चार्जेस दे दिए, ठीक है जी। अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो उन्होंने कैश कितना दे दिया 1960 का, और डिस्काउंटिंग चार्जेस भी ट्रांसफर कर दिए मिस्टर वाई को 40 रुपए के। अब आगे की कहानी, क्योंकि इसके अंदर खिचड़ी पक जाती है अगर मैं कोई और अच्छे से यहां पे क्या नाम है बना देता, तो ए पॉइंट। अब आगे क्या हुआ ध्यान दीजिएगा, ऑन ड्यू डेट मिस्टर एक्स वॉज अनेबल टू पे रिमेनिंग हाफ अमाउंट। यानी कि मिस्टर वाई ने फोन मिलाया मिस्टर एक्स को कि सर आपने पैसे नहीं भेजे, तो मिस्टर एक्स कहते हैं सर पैसे तो मेरे पास में है नहीं, लेकिन मैं आपका बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट कर लेता हूं, कितने के लिए, 7,000 रुपए के लिए। अब आप चेक कीजिए 7,000 रुपए सफिशियंट मनी है, अगर एनकैश करवा लिया जाए उसको तो कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस काटने के बाद भी इतना सफिशियंट अमाउंट बच जाएगा कि मिस्टर वाई जो है वो ड्यू डेट पे 4,000 रुपए की पेमेंट कर सके, ठीक है जी। अभी तक भी कुछ दिक्कत नहीं थी, मिस्टर वाई ने इसके ऊपर एग्री कर लिया, कह रहे ठीक है। आगे क्या हुआ, मिस्टर वाई ने इसको एनकैश करा लिया, इस बिल ऑफ एक्सचेंज को एनकैश करा लिया अपने बैंक में जाकर के। मिस्टर वाई ने कौन से वाले को, जो सेकंड वाला अभी अभी ताजा ताजा उनके हाथ में आया। तो क्वेश्चन बोलता है कि 6600 मिस्टर वाई के हाथ में पैसे आए, 400 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस हो गए, कैसे,
अगर क्वेश्चन बोल रहा है 7,000 रुपए का बीआर था और 6,600 एनकैशमेंट आई है, तो यानी कि 400 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस है, ठीक है जी। उन्होंने इस 6,600 से अपनी ऑब्लिगेशन 4,000 की पे की होगी और उसके बाद में रिमेनिंग बचा हुआ कुछ पैसे में से 1,300 रुपए और प्लस डिस्काउंटिंग चार्जेस ट्रांसफर कर दिए किसको, मिस्टर एक्स को, कि लो सर अच्छे बच्चों की तरह मैं आपको 1,300 रुपए दे रहा हूं, साथ ही आप में से डिस्काउंटिंग चार्जेस। अब पूरी फाइट पता है किस चीज की है, इस डिस्काउंटिंग चार्जेस की है, जिसके ऊपर एस्ट्रिक का साइन लगाया हुआ है कि किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। खैर मैं हूं आपके साथ में आपको सिखाने के लिए, चलिएगा। यहां पे हम क्या कहते हैं, सर ट्रांसफर कर दिया डिस्काउंटिंग चार्जेस प्लस 1,300। अब बोला गया कि ड्यू डेट पे पता लगा कि मिस्टर एक्स जो है वो इंसॉल्वेंट हो गए और सिर्फ 25 पैसे ही दे पाए, 25 पैसे मतलब 1/4 रिकवर किया जा सका उनसे, ठीक है सर। अब यहां पे हम लोगों ने क्या किया, जर्नल एंट्रीज लिखनी शुरू की। सबसे पहली जर्नल एंट्री नॉर्मल है सर, बीआर 4,000 रुपए का, बीपी 4,000 रुपए का, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास में सर एनकैशमेंट की, बैंक से एनकैश करवा लाए, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर, मिस्टर वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई एंट्री नहीं, क्यों, क्योंकि बैंक के अंदर मिस्टर वाई नहीं गए थे। बैंक से बाहर आए मिस्टर एक्स, आधा कैश और आधे डिस्काउंटिंग चार्जेस बांट लिए मिस्टर वाई के साथ में पहले वाले बिल के, उसकी एंट्री लिखी हुई है वाई अकाउंट डेबिट, वाई डेबिट 2000 के लिए, डिस्काउंटिंग चार्जेस आधे, 80 के आधे कितने 40 और कैश आधा कितना 1960, ये बांट लिया। और यहां पे मिस्टर वाई ने भी इसी की एंट्री लिख दी कि सर कैश जो है वो इंक्रीज हो गया 1960 रुपए से, डिस्काउंटिंग चार्जेस 40 रुपए से, टोटल मिस्टर एक्स ने उनको कितने दे दिए हैं, सर 2000 रुपए दे दिए हैं, डन। अच्छा 2000 रुपए दे दिए यानी कि उनका अकाउंट सेटल हुआ है 2000 रुपए, कैश तो 1960 ही आया, डन। अब इस बात के बाद में बात आती है आगे की कि आगे क्या हुआ। आगे हमारे पास में ड्यू डेट से पहले पहले मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को फोन किया, मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को फोन किया और फोन करके बोला सर पैसे दे दो, पैसे उनके पास में थे नहीं, एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिया। अब यहां पे मिस्टर एक्स जो है वो ड्रॉई बन गए हैं, मिस्टर एक्स क्या बन गए हैं सर यहां पे इस केस के अंदर, सर ड्रॉई बन गए हैं, ध्यान रखना, और मिस्टर वाई क्या बन गए हैं सर, ड्रॉअर बन गए, ड्रॉअर बन गए। तो देखो यहां पे क्या, उन्होंने अपनी लाइबिलिटी अराइज की वाई डेबिट टू बिल्स पेबल और यहां पे बीआर अकाउंट डेबिट टू एक्स, पैसा नहीं आया लेकिन पैसे के इक्विवेलेंट एक चीज आ गई है 7,000 रुपए की, डन। अब हमारे पास में क्या दिया हुआ है, उन्होंने जाकर के वाई ने अपने बैंक से इसको एनकैश करा लिया, सेम एंट्री जो पहले वाली थी, कैश अकाउंट डेबिट मतलब हमने जो पिछली बारी की थी वही है हमारे पास, सेकेंड एंट्री जो थी हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि 6,600 एनकैशमेंट हुआ, 400 के डिस्काउंटिंग चार्जेस, टोटल 7,000 का बीआर था जो कि बैंक में चला गया। अब इस टाइम पे इनके हाथ में कितना पैसा आ चुका है, 6,600 आ चुका है। सबसे पहले वो क्या करेंगे सर, सबसे पहले वो पेमेंट करेंगे, वो पेमेंट करेंगे सर किसकी, अपनी प्रीवियस लाइबिलिटी की, उन्होंने कर दी। ये देखो 4,000 रुपए की उनकी प्रीवियस लाइबिलिटी थी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000 रुपए, और अमाउंट से हमें पता लग जाता है। अगर आप इस चीज को नहीं लिख सकते तो आप इसको बीपी वन का नाम दे सकते हैं, ठीक है जी, और नरेशन जरूर लिखिएगा। अच्छा ये पेमेंट कर दी, अब बचा हुआ कुछ पैसा उनके पास में था, बचा हुआ उनके पास में कुछ पैसा था, उसमें से मिस्टर एक्स को कितना भेज दिया गया, 1,300 रुपए भेज दिया गया। तो हमारी एंट्री क्या होगी सर, कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस भी तो शेयर करने पड़ेंगे ना उनके साथ, तो मिस्टर एक्स के हाथ में कैश आ गया 1,300 रुपए, साथ में डिस्काउंटिंग चार्जेस, और देखो एस्ट्रिक का साइन लगा हुआ, इसका मतलब ये हमें कैलकुलेट करना है, अभी मैंने अमाउंट नहीं लिखे, और वाई की बुक्स ऑफ अकाउंट में एक्स डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट, कैश कितना दे दिया 1,300 रुपए और डिस्काउंटिंग चार्जेस, जो कि डिस्काउंटिंग चार्जेस कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है सर।
हमारे पास में क्या आ जाता है, हाउ टू कैलकुलेट। अब हम मैंने इसको एक अलग से वर्किंग नोट बनाया, हाउ टू कैलकुलेट डिस्काउंटिंग चार्जेस इन क्वेश्चन, ठीक है जी, ऑन सेकेंड बिल। सेकेंड बिल के ऊपर कैसे करते, तो नंबर वन हमें सेकेंड बिल के ऊपर टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने थे वो कैलकुलेट करने हैं। वो कितने थे सर, वो 400 रुपीज थे। वो कितने थे सर, वो 400 रुपीज थे, ऐसा हमने लिख लिया। 7000 के बिल के बदले में, 7000 रुपए के बिल के बदले में 6600 आए, यानी कि 400 डिस्काउंटिंग चार्जेस के लग गए। अब क्या करना है, इसका मतलब क्या हुआ सर, 6600 के ऊपर डिस्काउंटिंग चार्जेस देने पड़े 400 रुपए। 6600 के ऊपर डिस्काउंटिंग चार्जेस देने पड़े कितने सर, 400 रुपए, ठीक है। तो इसको प्रोपोर्शनेटली करेंगे हम, ठीक। यहां से थोड़ी सी जगह साफ कर दी मैंने, अब देखिएगा। तो मैं इसको लिख देता हूं यहां पे कि मैंने 6600 के बिल के ऊपर 400 रुपए लगे मेरे, किसके, डिस्काउंटिंग चार्जेस के। तो नंबर वन, जितनी मनी ट्रांसफर कर रहा हूं 1300 रुपए पे कितने लगे होंगे, और जो मिस्टर वाई ने मतलब ड्रॉई ने पिछला अमाउंट रिटेन किया था उस पे डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने लगे होंगे, ड्रॉई ने, ठीक है जी, उस पे कितने डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे होंगे। प्रीवियस बिल का ड्रॉई कौन था, वाई था। उसने कितना अमाउंट होल्ड किया था अपने पास में सर, 2000 रुपए। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, 2000 रुपए। अब कैलकुलेट करके बताइए ये कितने अमाउंट आते हैं जल्दी से। 200 रुपीज बेटा, यस सर। जल्दी से इसको कॉपी कर लो, फटाफट से जल्दी से कर लो, मैं रुकवाऊंगा। तो हमने यहां लिख दिया सर 200, यहां पे वाई में लिख दिया सर 1500, ठीक सर, और इधर यहां पे 1500, यहां पे 200। कैलकुलेशन इसी तरीके से करेंगे आप, कैलकुलेशन इसी तरीके से करेंगे, ठीक है जी। ये हमने उनको पेमेंट कर दिया, डन। यहां तक की बात जो है वो खत्म। अब ड्यू डेट पे क्या हुआ सर, ड्यू डेट पे वो भाई साहब जिनको पैसे देने थे अभी, वो इंसॉल्वेंट घोषित हो गए, और सिर्फ 25% ही उनसे रिकवर किया जा सका, 25% ही रिकवर किया जा सका। तो अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास में क्या होनी चाहिए, ये मेरे ख्याल है आप लोगों ने बना लिया होगा, और जो लोग वीडियो से इस चीज को देख रहे हैं वो वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, जब मैंने जिस टाइम पे ये समझाया था, क्योंकि आगे की जनरल एंट्री मुझे लिखनी है और उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, ठीक है जी। पीछे से आप लोगों को आवाजें आ रही होंगी, मुझे भी आ रही है, छोटे बच्चे हैं तो चीखेंगे। अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट एंट्री हमारे पास में, सर कितने नंबर पे पहुंचे थे हम, पता नहीं हम कितने नंबर पे पहुंचे थे। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास में, नेक्स्ट एंट्री, ठीक है। अब ड्यू डेट पे क्या हुआ होगा सर, ड्यू डेट पे कैश की प्रतीक्षा कर रहे होंगे हम, लेकिन कैश वो पे ही नहीं कर पाए होंगे, है ना, मिस्टर एक्स जो थे वो कैश पे नहीं कर पाए होंगे, तो इंसॉल्वेंसी हो जाएगी उनकी, इंसॉल्वेंसी हो जाएगी, और इंसॉल्वेंसी हो जाएगी उसके लिए हम इनकी जर्नल एंट्री बनाएंगे। अब देखो रिवर्सल हो जाएगा इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में, क्या रिवर्सल हो जाएगा सर, पे नहीं कर पाए ना ये, तो एक तो बिल डिसऑनर हो जाएगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई, ठीक है, इनकी बुक्स में क्या रिवर्सल हो जाएगा, एक्स डेबिट टू बी आर 7000 रुपए के लिए,
ठीक, और फिर उसके बाद में वो जो हाफ वन फोर्थ अमाउंट रिसीव हुआ है तो क्या अमाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, कैश, सॉरी कैश अकाउंट डेबिट नहीं, यहां पे हो जाएगा सर कैश अकाउंट डेबिट, इनकी बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट, और इनके में हो जाएगा कैश क्रेडिट टू कैश अकाउंट, ठीक है जी। वाई डेबिट, वाई डेबिट होना चाहिए था कितने से, 7,000 रुपए से, मतलब 7,000 रुपए का था ना, हमने ये क्रेडिट कर दिया था इसको, तो वाई को देने थे 7,000, लेकिन वन फोर्थ कितने आते हैं बच्चों, कितने हो जाएंगे वन फोर्थ बताना जरा, 1750, कितने कितने, 1750, 1750, यस सर, पक्का एक बारी चेक कर लो, हाँ जी सर यही है, टू डेफिशिएंसी अकाउंट, कितना अमाउंट आ जाएगा इसकी बैलेंसिंग फिगर, 5,250, 5,250, और ये भाई साहब क्या लिख देंगे, कैश डेबिट, बैड डेट्स डेबिट, 2x, 7,000 और 1750 और 5,250। अब आगे के लिए ना हमें बोला नहीं हुआ कि मिस्टर वाई ने इस बिल का क्या किया, दोनों बिल्स का क्या हुआ, एक बिल तो खैर पे हो गया था, अब तो नेक्स्ट की बात है ना, तो यहाँ पे इंसॉल्वेंसी का केस आ गया कि भाई कुछ भी नहीं बोला गया, नोटिंग चार्जेस वगैरह भी कुछ नहीं दिए गए डिसऑनर होने पे, तो यहाँ पे लास्ट में यही हुआ, और इसके बाद में आगे कुछ नहीं बोला हुआ कि उन्होंने अपनी जेब से पे किया या नहीं किया, तो यहाँ पे रुक जाएगा हमारा क्वेश्चन इस एंट्री के साथ, ठीक है जी। आई होप आप लोगों को ये जनरल एंट्री समझ में आई हूं। हाँ जी बच्चों, जरा इस वैल्यू को ठीक करना एक बारी, क्योंकि 7,000 के अंदर उसके अमाउंट सिर्फ 3,500 रुपीज के ही थे, और रिमेनिंग मतलब हाफ के थे ना, हाफ उन्होंने क्या नाम है बोला था भाई, हाफ ट्रांसफर कर दिया था उसका, तो अब 3,500 रुपीज के लिए है ये अमाउंट, 3,500 रुपीज के लिए है ये अमाउंट, और 35 में से 1/4 कितना हो गया बेटा, ये 3,500 का 1/4 कितना, 875, और बैलेंसिंग फिगर ऊपर आ जाएगी कितनी, 2,625। मैं एक मिनट में आपको लिखवाता हूँ, पहले यहाँ पे 2,625 और साथ ही कैश में कितना अमाउंट, 875। इसके अंदर क्या हुआ बेटा, हमारा जो 7,000 रुपए का बिल था ना, उसमें से लाइबिलिटी पे ऑफ करने के बाद में कितने बच गए थे, 2,600 बच गए थे, और 2,600 में से 1,300 रुपए वापस रेमिट कर दिए गए थे, यानी कि अभी भी वो 50% की बात पे ही चल रहे थे, 50% की बात पे ही चल रहे थे, तो जब बीआर डिसऑनर हुआ वो तो फुल अमाउंट से ही होगा, लेकिन रिमेनिंग की लाइबिलिटी किसकी होगी, रिमेनिंग की लाइबिलिटी तो मिस्टर वाई की होगी, मिस्टर एक्स की लाइबिलिटी सिर्फ हाफ की थी, इसलिए 3,500 आएगा, या फिर आप इस तरीके भी से भी कह सकते हैं कि 2,000 पिछले और 1,500 इस बार के रिमेनिंग अमाउंट में से, पिछले बार के 2,000 और इस बार के 1,500 जितने की अमाउंट थे उनके पास में, ठीक है, जो उनको की ट्रांसफर किए गए थे, तो 3,500 इस तरीके से आ जाता है, उसमें से इतना अमाउंट दिया गया और रिमेनिंग की डेफिशिएंसी हो, ठीक है जी। ये एंट्री की जो पॉइंट अमाउंट थे ये हमने क्या नाम है थोड़ा सा भावनाओं के वेश में आकर के फटाफट करने के चक्कर में पहले गलत लिख दिए थे, ये ठीक कर लीजिएगा जी सर।